नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन पहले एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी। कारण था कि बारिश और बिजली के खंभे की तार, जिसके कारण करंट लगा था। वैसे ही हालत दिल्ली मोतीनगर रामा रोड की है, जहां पर बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं और इन ट्रांसफार्मर के नीचे से सीवरों का गंदा पानी और यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोग, सोचिए किसी को भी करंट लग सकता है तो उसकी मौत भी की जिम्मेदारी कौन किसकी होगी। दिल्ली के अंदर यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम मानसून की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई दिल्ली एरिया के अंदर जिस तरीके से एक महिला जो थी वो ट्रेन पकड़ने आई थी और जिसको करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और दूसरा हादसा हम यहाँ पर भी हो सकता है हम दिखाएँ। यहाँ पर हम रामा रोड पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये बिजली का खंभा है और यहाँ पर बिजली का देखिए आप कितने सर्किट जा रहे हैं। यहाँ लगातार करंट पड़ने की स्थिति क्यों बनी हुई है हम वही बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए आप, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्ते सीवर लाइन का जो पानी है वो इस कस्ते इसके पास बिल्कुल होता है गुजर रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे तो सोचिए कहीं ना कहीं उसको करंट लगना जो है वो स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं हादसे के जिम्मेदार कौन है ये अधिकारी ही यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि PWD की बात करें कि सड़कें PWD के अंदर आती हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ये कैसे बिजली का खंभा बना हुआ है, यहाँ पर ये बिजली का देखिए ट्रांसफार्मर पूरा बना हुआ है और लोहे के जो पूरे जाल बना हुआ है इसके अंदर अगर पानी घुसता है तो कहीं ना कहीं करंट मिलना बिल्कुल लगना किसी के भी स्वाभाविक है। मगर यहाँ पर हादसे के जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं जनता ही बता रही है कि अधिकारी हैं। वो अधिकारियों को कब सुध ली जाएगी, क्योंकि नई दिल्ली जैसे एरिया के अंदर भी एक महिला करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जब दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं रेल विभाग को बता रही थी तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे हादसे का इंतजार करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB News दिल्ली।